वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, इजी कुक विद शालू आकिब में आप सबका स्वागत है। आज मैं बची हुई रोटियों का एक नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो पकाने में काफ़ी आसान और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम ऑमलेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिया है। अब इसमें चॉप्ड अनियन, हरा मिर्च और टमाटर चॉप्ड डालेंगे। अब इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अंडे को सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह फेंटेंगे। अब एक तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अंडे के मिक्सचर को डालकर ऑमलेट बना लेंगे। सो फाइनली हमारा ऑमलेट रेडी है। अब तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और तवे के चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे इसको। अब गर्म ऑयल में रोटी डालेंगे और रोटी को हल्का सा दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। अब रोटी के ऊपर जो मैंने ऑमलेट बनाया था वो डालेंगे। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप ऑमलेट को स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पर आप बची हुई कोई भी सब्जी आप रोटी पर स्प्रेड कर सकते हैं। अब ऑमलेट में हम थोड़ी सी टोमेटो सॉस डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे और ऑमलेट पे स्प्रेड करेंगे। जब चटनी ऑमलेट पे अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए तब इस पर हम अनियन रिंग्स, टोमेटोज और ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। अब रोटी को दोनों साइड से मोड़ लेंगे और बोथ साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सो फाइनली हमारी बची हुई रोटी का रोल रेडी है। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी क्विकली बनने वाली रेसिपी है। एक बार इसे आप लोग ज़रूर बनाएं, ये सभी को पसंद आएगा। और इसी तरह की न्यू रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।